जल्दी कर चाबी ला चाबी ला। हाँ हाँ निकालता हूँ। तो इतना काय को कांप रहा है? ये भी नहीं, वो आ गए यार। ठीक है, क्या हाल है? तो सब शांत हो जाओ, कोई गलती मत करना। तुम चार नाजी हो, समझी नहीं है, देशभक्त हैं। तो चार भक्त जन, लेकिन तुम लोगों का बर्ताव देख के मुझे लग रहा है कि शायद तुम में से कोई एक नाजी है। हाँ, और तुमने अपने आप से ये सवाल पूछा है क्या, तुम चारों में से वो बंदा कौन है? अभी निकल, ठीक से सोचो। गुड डे। तुम सच में सोचते हो? हे, हाथ मत लगाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारी कार है? हाँ मैं। ये तो कोई विदेशी कार है। तो कार नहीं करता लेकिन गड्ढे घुमाता है। ये मेरी कार नहीं है, इसकी है। भूखे रहकर कर ली। हाँ, ये उसके बाप की गाड़ी है। चलो हमें कार की बात नहीं करनी चाहिए। तुम सोच नहीं सकते कि उसके पापा कैसे हो सकते हैं। मुझे तो डर लगता है। मुझे भी, और तुम्हें भी उनसे डरना चाहिए। बाम लगाना पड़ेगा अब तेरे को। तू पागल है? मैं बास्केटबॉल बंट से मारूंगा तो कार पिचक जाएगी। बेसबॉल बैट होता है। और नहीं, मैं नहीं पहचानूंगा। साले बेवकूफ समझा है मुझे? नहीं नहीं प्लीज। जर्मनी सुंदर देश है, हमें यूरोप पसंद है, लेकिन जल्द ही यूरोप ऑटोमन साम्राज्य में जाएगा और हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ओ हाँ, जर्मन हमेशा कहते हैं यहाँ पर मारू तो क्या होगा। हाँ पर ऐसा मत कर यार। तुझे क्या लगता है हमारा दिमाग नहीं है? हाँ ये बहुत बड़ी कीमत है। मुझे यूरोप से कोई लेना देना नहीं। तुर्की से है डियर। और मुझे तुर्की से कोई लेना देना नहीं। क्या बात कही है? सौ प्रतिशत शुद्ध जर्मन हो आप। डियर प्लीज अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल करो। मैंने बहुत कुछ खाया है। हे, तुम क्या कर रहे हो? हे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? तू और तेरा बेटा एक जैसे हो। हाँ समझे क्या? उसकी बात कर रहे हो? वो मेरा बेटा नहीं है, ये है मेरा बेटा, समझे? वो अभी भी पेट में है। ये तुम्हें जला देगा, आगे बढ़ने की सोचना भी मत। क्या बेवकूफ है? मैंने आपसे कहा था ना। बस हो गया यार, मैं गुस्सा नहीं हूँ ना ही शांत हूँ। मेरे पास और दो कारें हैं, मेरे पास काली लाल हरी गाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आओ ऑन सब संभाल लेगा। हाँ बिल्कुल, क्या तुम ठीक हो? हाँ तुम्हारा शुक्रिया। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल। सुनो तुम बताओ। बस ऐसे ही, सब ठीक है ना? हवा पानी, दाल चावल, मेरी बात समझ रही हो ना? तुमने पैजामा पहना है क्या? वैसे ये पूछना चाहता है कि क्या तू एक चुन्नो मुन्नो डेट पर आएगी क्या? ये तो बस नादान है, कह नहीं पा रहा है। सही कहा। क्या बात है? तुम उसे बता देना कि मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। नियम तोड़ नहीं सकते, समझ गए ना? समझ गया, मैं उसे बता दूंगा। वो नहीं आ सकती, ये नियम के खिलाफ है। कैसा नियम है? मुझे नहीं मालूम। दुआ है तुमने इंश्योरेंस किया होगा, तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। इस देश में तुम नहीं जानते तुमने किससे पंगा लिया है। दूसरा वाला दो। जॉर्ग डुइस, अपन ने तेरे को पहचान लिया। Thank you.
मेरे खरगोश की फोटो कहाँ है? मैं समझा नहीं, तू क्या कह रहा है? कार की चाबी पर एक खरगोश की फोटो होगी। हाँ, खरगोश की फोटो। मेरे पास मेरे पापा की वही निशानी थी। जॉर्ग, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, तेरे लिए मेरे पास कुछ है। जॉर्ग, तुम समझ रहे हो, ये बहुत कीमती चीज है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तुम्हारे पापा इसे पहनते थे। तुम्हारे पापा जानते थे अगर रशियन इस खरगोश को देख लेंगे वो उसे उठा लेंगे, इसलिए उन्होंने इसे छिपा दिया। वो एक ही जगह उसे रख सकते थे, किछवाड़े में। दो साल तक तुम्हारे पिता ने इसे छिपा कर रखा, और फिर जब वो जख्मी हुए उन्होंने इसे मुझे दिया। मैंने भी इसे दो साल तक छुपाए रखा, और अब बेटा, अब की बारी तेरी लगेगी। कुछ नहीं, आराम से जग। बदकिस्मती से अपन पैसे नहीं दे सकता, हाँ, क्योंकि हम गरीब हैं। पैसे की बात कौन कर रहा है? अगर तुम खरगोश की फोटो नहीं दोगे तो प्लान भी है मेरे पास। बढ़िया, मुझे मिल ही गया। चलो भी यार, तुमने तो डरा ही दिया था। तेरा मतलब अपनी कहानी से है क्या? मैं समझ गई। सच में? जे बात, इसे कहते हैं 2.5 किलो का हाथ। क्या बात। मुझे बताओ कंस्ट्रक्शन का क्या? तुम जानती हो ना, मेरी मरी हुई माँ भी यहीं रहती है। मैं यहीं पैदा हुई थी, काउंटर के नीचे। मेरी माँ की नाइट शिफ्ट थी और उन्होंने काम पर ही मुझे जन्म दिया। हमें पलट के जवाब देना होगा। बदकिस्मती से उतना आसान नहीं है। तुम्हारी बच्ची सही कहती है। वैसे तुम जानती तो हो ना, मुझे लगता है कि हमें अब जन सत्याग्रह करना होगा। सब लोगों को मेरा सलाम। हेलो। नॉन अल्कोहलिक बियर प्लीज, हमारे पास नहीं है। अरे सब खत्म हो गई है, तो फिर शादी वाली दे दो। ये औरत माँ बनने के 100 तरीके न सीखने आई हो। आज सुबह मेरे पति की एक चीज खो गई थी, ये उनके पिता की याद थी। वो एक खरगोश की डॉल थी, बस इतनी सी, और मुझे यकीन है आप ही में से किसी के पास वो है। अगर वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं आप सबको दावत देने को तैयार हूँ। अगर मेरे पति को वो चीज नहीं मिली तो सबके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? क्या तुम मेरे से बात कर रही हो? मैं भी बहुत बुरा हूँ, समझी? और ये सब किसी ग्राफिटो की बात नहीं है। ग्राफिटी? क्या ग्राफिटी और ग्राफिटो अलग है? ठीक है, तू भी कितना अजीब सा है यार, लेकिन फिर भी तेरे साथ रहना ना, तुझे तो बोले बिना चुप नहीं रहा जाता है, है ना? हाँ, मैं ही सब बोल दिया। अब ये कमबख्त ग्राफिटो क्या होता है? क्या वो किसी तरह का स्पिगेटो की तरह होता है क्या? अरे वो तो हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे शब्द ना कि शब्दों। हमारे पास कोई फोटो नहीं है, तुम किसी और खरगोश की फोटो क्यों नहीं लाती? जल्दी मिलते हैं।